ये अगले 3 माह का बजट है जो हमने देना है। ये हुकूमत की एक अच्छी काविश है, बल्कि उनको चाहिए कि वो भी जो ऐसे कुछ सीखे। इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि आप तस्वीरें बनाए जाए। सफेद कार्ड जो है वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट था। ये अभी जो बजट है ये अगले 3 माह का बजट है जो हमने देना है, और पिछले 9 माह का जो बजट है उसको वेट करना है असेंबली से, और जो है ये 18 तारीख को हम इंशाल्लाह दे रहे हैं, तो आपको सारी डिटेल्स भी पता चलती है। अच्छा, ये बताएं कि कुछ अपोजिशन जो है वो तनकीद करती है, और उनके जो लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि जो आपने आटे के ऊपर नवाज की तस्वीर लगाई है उस पर फार्म 47 लगा ले वो बेहतर होगा, और वो कह रहे हैं कि आवाम को भिखारी बना दिया नूनी की गवर्नमेंट ने, क्या कहेंगे इसका? देखिए, ये जो निगहबान रमज़ान पैकेज है ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो कॉन्सेप्ट है रियासत मदीना का और खुलफ़ाए राशिदीन का, उसके मुताबिक इंतहाई बाइज़्ज़त तरीके से लोगों के घरों पे उनको, गरीबों को, जो गरीब लोग हैं जो इस वक्त रमज़ान में मुश्किलात का शिकार हैं, ये हुकूमत की एक अच्छी काविश है, बल्कि उनको चाहिए कि वो भी जो ऐसे कुछ सीखें और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी इस तरह की कोई स्कीम चलाएं, और उनको भी तस्वीर के बारे में कह रहे हैं कि जिसको इमदाद दो उसकी तस्वीर भी बनाओ, कोई ऐसी बात है? कुछ लोग नहीं बनवाना चाहते तस्वीरें। तस्वीर तो कुछ कोई भी नहीं बना रहा, कोई तस्वीर उसमें ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि आप तस्वीरें बनाएं। कल जो वाक्य पेश आया चूंग में, अगर इसी तरह ही हालात रहे आप समझते हैं कि पंजाब में कब आ रहा है आवाम को? आपने सेहत कार्ड जो है वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट था, और वो इंशाल्लाह ताला जो उसमें खराबियां पैदा की गई थी पीटीआई की तरफ से, उसको दूर करके अनकरीब सेहत कार्ड दोबारा से लॉन्च हो गया। अपोजिशन तनकीद कर रही है राशन निगहबान राशन के ऊपर कि वो जो राशन है ये आवाम को जो है वो मांगने पर जो है। यार इमरान भाई, मैं ना अंदरून शहर से मेरा ताल्लुक़ है और अब गलियों के रहने वाले लोग हैं, तो हमारे मोहल्लों में ना लोग बड़े मेहनती और जफाकश हैं, मगर पूरे मोहल्ले में ना एक दो लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो सिर्फ थड़ों पे बैठ के ना कमेंट करते हैं। तो तहरीके इंसाफ और खान साहब की यही सूरत हाल है, जब इनके पास वक्त था 3.5 साल का, तो उनको वो तमाम काम करने चाहिए थे जो शहबाज साहब ने और मरियम बीबी कर रही हैं। देखिए, जो एक राशन या फूड हैम्पर्स हैं वो सरकार का पैसा है, उसका ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है, तो जो बिस्पी लिस्ट हमारे पास मौजूद है उससे बाहर जाना मुमकिन नहीं। अलबत्ता में एक सर्वे हमने शुरू करवा दिया, अगले 3-4 माह में जो खवातीन जो मर्द खत गुरबत से नीचे और रह गए हैं, तो अगले 3 माह बाद जो भी प्रोग्राम है वो सब उसमें शामिल होंगे। लेकिन आप देखिए, उस पर पसंद ना पसंद नहीं है, उसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं है, उसमें कोई पार्टी को नहीं मिल रहा, उसमें एक आम आदमी को मिल रहा है, और एक अच्छी बात है लोगों को कम अज़ कम रमज़ान में कुछ दिन तो बेहतर गुजरेंगे।